जय उत्तरण वैश्व माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पौड़ी खबर, सुदूर क्षेत्रों की खबर, आपका अपना चैनल वैश्व माउंटेन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहले भी खबर दिखाई थी कि पौड़ी के घंडियाल पाली डांगी मोटर मार्ग से तकलना सुलार गांव थ्रूल बने एक दिवसीय मार्ग जो लिंक होना था, जिसके लिए काफी समय से एक लंबी मांग चल रही थी। लोगों ने समय समय पर इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया और अपनी मांग तेजी से उठाते रहे, परंतु यह मांग अब जाकर पूरी हुई है। आज इन सड़कों का सर्वे हुआ, जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी की लहर थी। मनरसू के विभिन्न गांवों को सड़कों से आपस में लिंक करवाने की है मांग। अगर पहले ही पूरी हो जाती तो इससे 20 से 50 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती। भविष्य के लिए यह मंडल मुख्यालय पौड़ी से घंडियाल पाली मोटर मार्ग से तकलाना सुलार गांव थनू बने दोषी मार्ग से लिंक होना है। मात्र 2 किलोमीटर सड़क निर्माण में यही एक सड़क का दोषी से जखनौली बांडीशू व्यास चट्टी रोड से मिलने से देहरादून निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन जो कोट विकास खंड के सौंड में है, इसकी मात्र दूरी 60 किलोमीटर रह जाती है। क्षेत्र में सभी जगहों के आपस में कनेक्टेड भी हो जाने से यह सड़कों का जाल यदि 10 साल पहले बिछ जाता तो हो सकता है कि पहाड़ों से जो प्लान हो रहा है वह कम होता, क्योंकि सड़क ना होने से शिक्षा और चिकित्सा सुविधा पहुंचने में लोगों को काफी दिक्कत होती थी, परंतु अब यहाँ के लोगों का बहुत समय से चल रही मांग आज पूरी हुई, इनका सर्विस शुरू हुआ है। अब देखिए चुनावी माहौल है, क्या कह सकते हैं, सही सरकार की आंख खुली, अभी भी जनता को भरोसा नहीं कि ये चुनावी वर्ष है कि सर्वे होने के बाद कितना समय लगता है। इस सर्वे में लोक निर्माण विभाग के कई इंजीनियर, 5 ग्राम पंचायतों के प्रधान, क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी मौजूद रहे। क्या कहते हैं स्थानीय निवासी, देखिए जेल ग्राउंड से हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी की है। और ये रावत जी हैं, सर्वर परवीन भाई जी हैं, और सामने जी ये लोग साहब, इतने लोग आ रखे हैं, एक प्रधान, 2-3-4 यहाँ पे प्रधान बैठे हैं, थनूल बुटली और डांगी और घंडियाल, और ये जेसीबी भी आ रखे हैं यहाँ पर, लेकिन ये कह रहे हैं कि बरसात में नहीं हो पाएगा मिट्टी में काम, तो बारिश बंद होगी तो देखते हैं। पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं, ये लोकेशन है और सामने तकलना गाँव और थनूल, और यहाँ मिलने रोड है। मेरे साथ है यहीं के स्थानीय निवासी श्री संजय कुकरेदी जी, जो अधिवक्ता हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पौड़ी में, और लंबे समय से वो भी प्रयास कर रहे हैं इस सड़क को। जन आंदोलन में उनका भी सहभागिता रही, एडवोकेट के तौर पे हमारे सलाहकार रहे, और आज जो है जो सरकार ने तमाम जो सड़कें छूटे थे, खासकर ये जो 2.5 किलोमीटर तकलना जोड़ते हुए थनूल जो मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो ब्याचट्टी बाड़ियों और जखनौली वाली रोड है उससे इसका लिंक होना, तो इतना जो लोग घूम के जाते हैं वो सबको इसका लाभ मिलेगा, और साथ साथ इसमें तकलना गांव को भी जोड़ेगा, जो तकलना गांव लगातार माइग्रेट हो रहा है, और वकील साहब आज रविवार को गांव आए हैं, वो भी सर्वे में साथ करें, उनसे जानेंगे कि जो ये सर्वे हो रहा क्या वास्तव में ये धरातल पर खरा उतरेगी ये सर्वे, कि कहीं ऐसा नहीं थी चुनाव हुआ से और केवल जो है वोट बैंक का जो ये सिलसिला चल रहा है, लगातार सड़कों की जो है प्रथम चरण जगह जगह जो है सर्वे हो रही, लेकिन पूर्व में जो सर्वे हो रही है दूसरा चरण उनका अभी तक नहीं हुआ, तो उम्मीद करना बहुत आसान नहीं है, फिर भी जानेंगे वकील साहब से। वकील साहब, जिस हिसाब से सर्वे हो गए लगातार, सरकार जो है जमीन स्तर पर PWD के लिए सर्वे के लिए जीरो ग्राउंड पे उनको भेज रहे हैं अपने सर्वेयर को, इंजीनियर को, और तत्काल शासन से उनको निर्देश है कि इसका DPR भेज दो, शासन को भेजे, और 2 महीने रह गए हैं, क्या उम्मीद है कि ये गत वर्ष की जो चुनाव के दौरान भी ऐसे ही हुआ था, कहीं फिर इस बार भी हम लोगों को कहीं सरकार द्वारा केवल एक आश्वासन के तौर में ये सर्वे केवल दिखाने के लिए तो नहीं कि आप जीरो ग्राउंड पे आप भी सर्वे कर रहे हो, आप एक अधिवक्ता है, तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको भी विश्वास हो गया कि वास्तव में सड़क अब आई जाएगी। नहीं देखिए, पूर्व में भी जैसे रोड नहीं तो वोट नहीं करना, आपने भी दिया था, आप भी साथ थे डांगी जी, गांव के लोग भी साथ में थे। उसके बाद जब BJP की सरकार बनी शुरू में, तो हम 4-5 लोग विश्व हिंदू परिषद के सारे लोग मिलने गए थे विधायक जी को, उन्होंने उस समय भी आश्वासन दिया था कि भाई मैं इस सड़क को बनाऊंगा, हमने कहा था कि विधायक निधि से आप इस सड़क को बनाएं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लगता है कि फिर कहीं उनके दिमाग में ये होगी रोड नहीं तो वोट नहीं करना रहा, हम फिर से ना दे दें, शायद हो सकता है कि इस कारण से भी इसको जो ये राज्य वित्त है या जो भी राज्य जिला योजना है राज्य योजना में उन्होंने ये सड़क रखी हो। उम्मीद करते हैं कि बनेगी सड़क, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि चुनाव से पहले बनेगी, तो मैं विधायक जी से ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर वो इसका पूरा आकलन प्राकलन जो भी पैसा है
अगर ये रिलीज हो जाए चुनाव से पहले तो हमें लगेगा कि उनका उनकी ये सार्थक पहल रहेगी इस क्षेत्र में, वरना हमें तो ऐसी लगता है कि फिलहाल की भावनाओं को देखकर बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो हमें तो यही लगता है कि फिलहाल तो ये चुनावी वर्ष है और ऐसी घोषणाएं होती रहेंगी, सर्वे हो गया है, लेकिन शासन से कब इसकी पूर्ण स्वीकृति मिलेगी वित्त की इसकी, इसमें तो संशय है ही जब तक काम शुरू न हो। तो आपने देखा कि वकील साहब के विचारों से लगता है कि चुनाव वर्ष है और उम्मीद करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपेक्षा की है कि विधायक जी द्वारा लगातार उनसे इस बात को बताया जा रहा था कि इस गांव को नीचे जोड़ना इस क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभकारी है, सड़क है, और अगर ये बन जाती है चुनाव से पहले तो उनके लिए चुनाव का सबसे टर्निंग पॉइंट जो होगा इस क्षेत्र के वोटर का लुभाने के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है जो उनकी जो मजबूत पकड़ होगी आने वाले टाइम पे ये सड़क होगी, क्योंकि सड़क से अगर कुछ धरातल पर जमीन में दिखता है इसका जो वित्तीय स्वीकृति आ जाती तो अपने आप में वो इस सड़क का जरूर लाभ लेंगे। इस सड़क पर अगर विशेष ध्यान देते हैं तो मैं पहाड़ों की आवाज के लिए एक बार फिर अपने सहयोगी मनमिंदर सिंह के साथ जीरो ग्राउंड से तकला गांव से जगमोहन डांगी पौड़ी गढ़वाल पहाड़ों की आवाज के लिए। गांव खाली या सर सर गांव में लोग नहीं कोई नहीं गांव में लोग ये दुई मो था मत दुई मो अलग अलग दूर दूर था अस्पताल आनो भी कोई नहीं कोई अस्पताल आनो भी कोई नहीं ना कोई भी ना गाड़ी गाड़ी ले उन तो फूक जाने भी दिखो तो गाड़ी बह जाने गाड़ी में कन का जाना हम ये चढ़े हुई पे जो वो ढाड़का से चढ़े हुई हम तो भैया सड़क से बाद हम लेके गंदम जा हम फक रहते हम मोड़ ला हम तब तुम तो फसा हमर भी गाड़ी नहीं कुछ नहीं अरे सोच तंग 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 के जान हमी हम कुन गाड़ी चेनी जे जब हम परेशान था तो किले रात पर सर दुनिया में गाड़ी नहीं जे और हमर गांव को हम कुन गाड़ी नहीं जे ना कर हम कुन भी सुविधा ना हम कुन रोल ना हम ना दुनिया में हम परेशान छ बहुत ज्यादा ये मेरा ज्यादा सामान वापस हो गयो मुझे भी हिट नहीं सा ये पे का मार चल खा जाना सामान वापिस हो गयो निये साग निये साग में मी फिर सारा शरीर में आग जग झटका में कंपे हुई नहीं परे है अदर सामान में वापिस हो गयो ता का है इतना बीमार तबीयत खराब था हमको रोड नहीं हम कन खे जा ना अच्छा वो कंगा नमस्कार मैं जगमोहन डांगी आज पहुंचा हूं विकासखंड कलजी काल के मनियारसू के तकलना और डांगी गांव के बीच के सरहद में, और लंबे समय से इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहां पे एक सड़क की मांग कर रहे थे। मात्र सड़क 2.5 किलोमीटर है, लेकिन ये सड़क जो बनेगी तो इस क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि ये जो सड़क है 15-20 किलोमीटर की जो दूरी है घूम के जो जाना पड़ता है थनुल और यहाँ नीचे के जो घाटी के गांव के लोग हैं इनको अपने गांव में जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यदि हम लोग भी अगर थनुल या नीचे जाते हैं तो हमको 15-20 किलोमीटर घूमना पड़ता है। ये 2.5 किलोमीटर में थनुल वाली रोड पर लिंक हो रहा है, और इसके अलावा इससे 3 किलोमीटर जो आगे सर्वे हो रही है आज ही जखनोली और दिवसी, तो ये जो अगर दिवसी जखनोली 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर है ये आपस में लिंक हो जाता है, तो जो मनियारसू की बेल्ट है घंडियाल का जो क्षेत्र है ये सीधा सीधा जो है देपराग ब्याचट्टी और देहरादून से जुड़ जाता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लगातार यहाँ के जो 4-5 प्रधान है इस क्षेत्र के इस सड़क की मांग करते आ रहे थे, शासन ने इसमें जो है देर से संज्ञान लिया है और तत्काल लोक निर्माण विभाग के जो सर्वे टीम है उनको जो है यहाँ आदेशित किया है सर्वे करने के लिए, और साथ ही इसका DPR जल्दी से जल्दी जो है शासन को भेजने के लिए उन्हें निर्देशित किया है। अब ये देखना होगा कि जो जनप्रतिनिधि है उनकी मनसा वास्तव में जो जमीन में इस काम करने के लिए है, ये सड़क को जोड़ने के लिए है जो लगातार जनता की मांग की जा रही थी उस पर अगर खरा उतरते हैं तो ये बहुत बड़ी सौगात होगी इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता थी इस सड़क की। ये 2.5 किलोमीटर की जो सड़क है ये आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन कही जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से रेलवे का जो स्टेशन बढ़ रहा है सौर में, यहाँ से सौर की दूरी 35 किलोमीटर है, तो कहीं ना कहीं हम रेलवे का जो लिंक है जो रेलवे से हम जुड़ते हैं तो वो भी सड़क से जो है आने वाले समय में जुड़ेगा। इसके अलावा थानेश्वर महादेव जो इस क्षेत्र का बहुत ही सिद्धपीठ है उससे भी 5 किलोमीटर जो मुख्यमंत्री की घोषणा है उस पर भी जो है सर्वे हो रहे, उस रोड पर भी यह DPR जो है शासन में गया है, वो रोड भी अगर थनुल जुड़ जाती है और इस पर लिंक हो जाता तो कहीं ना कहीं जो इधर तमाम सारे गांव हैं मनियारसू के ये आपस में लिंक हो जाएंगे, इनका जो है आपस में संपर्क होने से, और साथ में एक थापला वाली जो रोड है अमटोला ये बीच में अगर लिंक हो जाता है तो कई गांवों को जो है आपस में आपस में लिंक हो जाएगा, तो इसमें काफी लोगों का फायदा होगा। तो ये सर्वे आज जो है कार्य प्रगति पे है और बड़ी खुशी हो रही लोगों को यहाँ पे, तो आओ बात करते हैं कुछ प्रधान जी से। प्रधान जी आपका स्वागत है, आपने मांग की थी सड़क के, लगातार आप मांग कर रहे थे और सरकार ने आपकी बात सुनी है, तो आप सर्वे हो रहा है, क्या उम्मीद है आपको कि बनेगी सड़क? पूरी उम्मीद है कि यहाँ रोड आएगी,
और साथ हैं सीखने गांव वाले आ रखे हैं, थनो वाले आ रखे हैं, गुटली वाले हैं, सब है, थनो ज्वाइंट होनी चाहिए। हमारे साथ हैं यहाँ के सेवानिवृत्त शिक्षक आचार्य सुदामा प्रसाद कपटियाल जी, काफी जागरूक लोग हैं और वो भी लंबी सड़क से सड़क के लिए सहयोग करते रहे। उनसे बात करते हैं कि चुनाव का वर्ष है और सड़क सरकार ने जो है तत्काल इसका जो है सर्वे करा दिया है और DPR मांगा जा रहा है शासन द्वारा, तो क्या उम्मीद है कि ये सरकार का जो चुनाव वर्ष है ये सड़क जो है धरातल पर उतरी, कि क्या ऐसे ही जो है चुनाव का जो वर्ष है मतलब जनता को इस तरह से प्रभावित किया जा रहा होगा कि ताकि लोग आने वाले समय में सरकार को इस सड़क को देखकर जो एक चुनावी लुभान बोलते हैं जिसको लॉलीपॉप हम ये बोलेंगे कहीं उसमें तब्दील तो नहीं हो जाएगा ये मांग। तो आओ बात कुछ जी, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जैसे कि लंबे समय से आप मांग कर रहे थे कि नीचे जोड़ने के लिए सड़क, और बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर सड़क जुड़ जाती तो, क्या कहेंगे आप इसमें? वो गड़ू आदमी बोलते कि कुछ ढूंढनी पूजी, मतलब आज उत्तरांचल बने हुए 21 वर्ष हो गए और हमने जो है जो भी चुनाव हुआ, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ, चाहे हमारे विधानसभा का चुनाव हुआ, हर बार हमने जो चुनाव को बहिष्कार किया है, दांगी के साथ मिलकर के, सोलगांव पारित के साथ मिलकर के, कि हमें रोड चाहिए भाई, हमें बार बार इसका बहिष्कार किया। उस समय क्या होता था, साधन प्रशासन के लोग आते थे और आश्वासन देते थे कि अलग संघ की बात तुरंत तुम्हारे यहाँ रोड बन जाएगी, मगर सारे आश्वासन जो है केवल बोलने तक ही सीमित रहे, हमें आज तक भी कोई रोड नहीं मिली। आज थोड़ी सी आज जगी है कि जो है सर्वे का कार्य हो रहा है, चुनाव वर्ष है, हो सकता है शासन प्रशासन टिकल जाए और हमें जो इस सुविधा से हमें इस सुविधा को प्राप्त कर सकें। खैर जो है अभी भी देर आए दुरुस्त आए, अगर ये रोड हमको मिल जाती है तो हम समझेंगे कि हमारा मतदान सही हुआ है। हमने इस प्रदेश के जिस प्रतिनिधि को चुना है उन्होंने हमारी तरफ देखा, हमको इस सुविधा से उन्होंने हमें लाभान्वित कर दिया, तो हम इसका ये समझेंगे, इस सरकार का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। इसमें केवल हम ग्रामीण लोगों का ही सहयोग नहीं है, हमारे जो प्रदेशी भाई बंधु है उनका भी सहयोग है, उन्होंने अपनी तरफ से जो है इसमें पूरा सहयोग दिया है और सबके सामूहिक विकास से ही सहयोग से ही ये काम शायद हो सकेगा। मुझे पूरी आशा है कि शासन प्रशासन हमारी जो है इस दशा को देख करके कि हमारे सारे गांव के गांव खाली हो गए, खाली होने का कारण क्या है, यही जो है कि यातायात की रीढ़ जो है सड़क होती है, सड़क न होने के कारण लोगों ने यहाँ से जाना प्रारंभ कर दिया है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बस शरीरम व्याधि मंदिरम, हमारा शरीर जो है कभी बीमार हो सकता है, कहाँ जाएंगे, गाँव में कोई सुविधा नहीं है, इसलिए लोगों ने यहाँ से जाना प्रारंभ कर दिया, पर हो सकता है कि सड़क आने से लोगों का दोबारा आना प्रारंभ होगा, अपने गाँव में रोजगार शुरू हो सकता है। तो मैं पुनः आप सब लोगों का जो हमारे गांव के तकलना के थनोल के डांगे के सभी लोग जहाँ पर आए हैं सबका जो सामूहिक जो है एक प्रयास है, ये प्रयास जो है अवश्य सफल होगा और यह जो है सड़क के रूप में हमें देखने को मिलेगा, ये सुविधा का हमें अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। वाला दिन से जावा ए जावा।